Hey, what's up, guys? This is me once again, Anand Qureshi. Welcome back to my vlog. Hope all of you guys are exactly fine. दोस्तों सुबह के अभी बज रहे हैं 11 और फिलहाल दोस्तों मैं हूँ रांची झारखंड में। दोस्तों अब आप लोग सोच रहे हो कि कैसे अचानक रांची झारखंड आना हुआ हमारा। तो दोस्तों रांची झारखंड अपन आए हैं यहाँ पर वेडिंग सूट में और मतलब घर के रिलेशन में ही आते हैं राजा भाई, जैसा कि आप लोगों को मैं दिखाऊंगा आगे के सीन्स में। और अगर आप लोग इंस्टा व्हाट्सएप में जुड़े हो मेरे साथ तो बाकी के सारे सीन्स आप लोगों को समझ आ गए होंगे ना, किसकी शादी है, कैसे आए हैं हम लोग। इंस्टा में मैं डेली अपडेट देते रहता हूँ, आप लोग वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग यहाँ पर लॉज में रुके हुए हैं, है ना, राजधानी गेस्ट हाउस है और काफ़ी सही मार्केट है। मतलब नागपुर में जो मोमिनपुरा वाला एरिया है ना, पूरा भाई वैसे ही वाइब है, पूरा वैसे ही फील है। तो बस कुछ नहीं, कल रात को हम लोग पहुँचे ट्रेन में, ब्लॉग तो करते बना नहीं क्योंकि भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा थी तो ब्लॉग अगर मैंने किया नहीं। और फिलहाल मैं सोचा कि अपडेट देता हूँ, झारखंड आया हूँ तो ब्लॉग डाल ही देता हूँ। हाँ भाई, चैनल का नाम बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे हम। ठीक है। तो रांची झारखंड में है फिलहाल और यहाँ पर वेडिंग सूट में आया हूँ मैं। तो जैसा भी सीन रहता है मैं दिखाता हूँ। आज निकाह होगा, मुस्लिम शादी है, मतलब भाई की शादी है ना, तो मुस्लिम शादी ऑब्वियस ही बात है। उसके बाद फिर यहाँ से कल, आज का पूरा दिन है हमारे पास, कल का भी पूरा दिन है, रात को ट्रेन है हमारी। हाँ बता रहा हूँ, मोबाइल खोलो ना, बता रहा हूँ। तो भाइयों मतलब आजकल अगर व्लॉग करोगे तो मतलब आदमी खुद से आके पूछता है भाई चैनल का क्या नाम है। तो अभी 2-4 सब्सक्राइबर बना लिए मैंने यहाँ पे और लोग सब्सक्राइबर मीटअप करते, सब्सक्राइबर से मिलते और हम चलते चलते सब्सक्राइबर्स बनाते हैं। और फिलहाल दोस्तों चाय पानी हो चुका है और कल रात को भाई मतलब अपन 3 बजे पहुँचे थे झारखंड, है ना। ट्रेन 4 घंटे लेट हो चुकी थी जिस कारण 3 बजे झारखंड पहुँचे। उसके बाद और घर आए होटल में, तो सुबह 6 बजे हल्का फुल्का सब खाना वाना, रात को मतलब प्रॉपर कुछ भी मिल हुआ नहीं था, दैट्स व्हाई। और आज पूरा निकाह था, शूटिंग अगर होगा तो ज़्यादा कुछ ब्लॉग का अपडेट दे ही पाऊँगा मैं। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को झारखंड का थोड़ा सा वाइब दे दिया जाए, है ना, फील करा दूँ झारखंड कैसा है क्या है। बाकी यहाँ पास काफ़ी अच्छे अच्छे जगह हैं और दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम इन झारखंड, तो मज़ा काफ़ी आ रहा है। इधर व्यापार काफ़ी सही है यार, मतलब यहाँ पर जो है ना मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा हमारे एरिया में जितने भी छत्तीसगढ़ वाले हैं, आप लोग जुड़े हो, ब्लॉग देखते हो मेरे, तो यार यहाँ से झारखंड बिहार काफ़ी सारे लोग हमारे एरिया में आके काम करते हैं, है ना। तो मेन क्या है भाई, यहाँ पर जो है ना व्यापार काफ़ी ज़्यादा है तो लोगों के पास काम, मतलब एक जुनून है इधर के लोगों को पैसा कमाने का। तो उसमें भाई उन लोग ना अपना शहर देश छोड़ के निकल जाते हैं दूसरे जगहों में पैसा कमाने के लिए। और फिलहाल मैं रोड पे हूँ, मेन रोड में, इधर आगे करबला चौक वाले एरिया में अपन, है ना, ये समझ लो। बाकी ज़्यादा कुछ तो जान रहा नहीं हूँ, पहली बार है झारखंड। तो फिलहाल मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा था, है ना, वेडिंग सूट आप लोगों ने इंस्टा में देखा ही होगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको झारखंड का थोड़ा सा वाइब। दोस्तों और मेरे घर से मतलब हम 5-6 लोग आए हैं, मिलो आदिल भाई से, पापा से, आकिब भाई, उधर चाचा और बड़े बाबा, मतलब हम लोग 5-6 लोग आए हैं, टोटल 50 लोग आए हैं भाई ट्रेन में। फिलहाल मार्केट अगर चलते हैं दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ का मार्केट कैसा रहता है। तो दोस्तों अपन जहाँ वेडिंग सूट में आए हैं और आज का जो दूल्हा होने वाला है हमारा राजा भाई, मिलो जिनसे, ये राजा भाई, इनकी शादी है। हाय बोलो भाई। मतलब भाई बहुत सपोर्ट करते हैं स्टार्टिंग में, मतलब जो सब्सक्राइबर बढ़े ना सब भाई लोग का कमाल है। और इधर हमारा साहिल भाई तैयार हो के बस होने वाले हैं, लोग भी रात का निकल है तो ज़्यादा किसी को हड़बड़ी नहीं है, है ना। फिलहाल मैं चलता हूँ रूम में, थोड़ा बहुत बैग वगैरह को भी समेटते हैं अपन और मिलता हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों नहा धो के रेडी हो चुके हैं हम लोग, जस्ट अभी निकल रहा हूँ मैं होटल रूम से और फिलहाल मेरे साथ दीपक भी है, ये इसका नाम है दीपक नेताम, हमारे साथ ही फोटोग्राफी करता है, हमारा टीम का बंदा है, आप लोग इंस्टा में पोस्ट वगैरह देखते होंगे। और यहाँ पर दीपक और मैं एक्चुअली रोनी को अपन लेके नहीं आए, मतलब
ट्रैवलिंग, वो भी उसको भी इतना पसंद नहीं है सफ़र, तो यहाँ पर इतना सफिशियंट है हम लोग के लिए। और फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा झारखंड घूमने के लिए निकले हुए हैं, तो देखते हैं। पहले तो अपने को ना वाले रूट पर जाना है, उधर झील वाला एरिया है। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से थोड़ी ही दूर में लेक व्यू है। तो यहाँ पर मतलब मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स बने थे सुबह, तो उन लोग ने मुझे गाइड किया था कि भाई लेक व्यू दिखा रहा हूँ, उधर स्वामी विवेकानंद जी का मूर्ति भी है और भी काफ़ी कुछ है। तो फिलहाल अभी चल रहे हैं, और मतलब झारखंड की सड़कों में पहली बार मैं घूम रहा हूँ, काफ़ी सही वाइब्स है यहाँ के। और वाइब्स के साथ साथ यहाँ पर जो है ना, सुबह बात कर रहा था मैं व्यापार के बारे में, यहाँ पर काफ़ी सही भाई व्यापारिक जगह है ये, मतलब हर जगह जगह भीड़। हम तो यार भले 9:30 बजे निकले बाहर मार्केट में, लेकिन मेरे पापा लोग सो के उठ गए थे 6-7 बजे, उन लोग बता रहे थे कि सुबह से रौनकें थी यहाँ पे। ये जो पूरा माहौल है ना, नागपुर गए थे हम लोग वहाँ दरगाह, वहाँ पे मोमिनपुर पूरा एरिया में ना, मोमिनपुर उसका भाई बाप है ये, इससे वो तो क्या नाम है माहौल था, लेकिन कुछ नहीं इसके सामने, बहुत अलग ही यहाँ पास माहौल है। और सुबह मैं यहाँ तक कि जरूर आया था, कैमरा लेके नहीं आया था मैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं, 1/2 किलोमीटर जैसा तो है बता रहे हैं। दोस्तों हम लोग जिस एरिया में ना, ये झारखंड का सबसे मेन मार्केट एरिया है, और अभी जिस रोड में जा रहे हैं ना, मतलब इधर ना पूरा शादी वालों से रिलेटेड, बारात वालों के जितना भी बैंड बाजा लाइटिंग का जो काम है ना, हर जगह वही दिख रहा है। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, सब तरफ ये घोड़ी वाला रथ, मतलब काफ़ी कुछ है यहाँ पास। और 1/2 किलोमीटर जैसा तो हो गया है अभी तक, तो लेक दिख रहा नहीं है, चलते हैं। थोड़ा सा गेट टाइप सा तो दिख जरूर रहा है, शायद वही होगा, और बाकी देख ही सकते हो आप लोग भाई, काफ़ी कुछ है यार यहाँ पे। मतलब बैंड वाले जो है ना, अपना ऑफिस को इतना अच्छा बना के रखे, हमारा दुकान नहीं वैसा, यहाँ पे बैंड वाले बना के रखे हैं ऑफिस। अच्छा, और अगर दोस्तों टाइम मिला तो कल हम लोग सोच रहे हैं कि ना पुष्पा भी जाएंगे, आज तो खैर क्या है कि निकाह हो जाएगा, तो रात में उतना टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग को शूटिंग वगैरह करना है। कल हम लोग खाली रहेंगे सुबह, तो शायद मे भी अपन जा सकते हैं पुष्पा देखने के लिए, जो अल्लू अर्जुन का नया मूवी आया है, रिस्पॉन्स काफ़ी सुने उसके बारे में, तो हमारे पास फ़ोन में आ भी गया है वो, लेकिन हम लोग देख रहे नहीं है, हम लोग वेट कर रहे हैं कि थिएटर में जाके देखेंगे, तो ऐसा कुछ प्लानिंग है। अब लोग फाइनली आ चुके हैं यहाँ के लेक पॉइंट में, तो व्यूज़ तो काफ़ी सही है भाई, और वो अगर ओपन रहता ना, तो वहाँ से अपन उस पॉइंट तक जा सकते थे। सामने भव्य स्वामी विवेकानंद जी का मूर्ति है, वो आप लोगों को मैं अपने मोबाइल से दिखाता हूँ, क्योंकि हम लोग कैमरा लेके नहीं आए हैं, गोप्रो से शूट कर रहा हूँ मैं, है ना, तो देख ही सकते हो आप लोग क्या ही व्यू है भाई पानी का। दोस्तों यहाँ पे हमको कुछ लोकेलिटी पर्सन्स मिले, तो मैं यहाँ से पूछा कि ये क्यों बन रहे, तो लोग भाई लोग बता रहे कि वहाँ पर नया गार्डन बनने वाला है, तो जब वो बनेगा उसके बाद ही ये ओपन होगा, गेट के पास तो ऐसा कुछ है। तो क्या नाम है यार आपका? हम अकेले, मेरा नाम रईस। आपका क्या नाम है भाई? मेरा राज। तो ऐसा कुछ है दोस्तों, तो शायद वो मिस हो गया, बाकी आप लोगों को जगह व्यू दिखाना था, मैं यहाँ से दिखा दिया। फिलहाल अभी चलते हैं अपन होटल रूम में अपने वापस, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। हाँ, ये बहुत कुछ प्रोग्रेस को बनेगा अभी। अच्छा, यहाँ पास वो भी पॉइंट था ना, जहाँ पे लिखा है आई लव माई झारखंड, वो कहाँ है? उधर है, मतलब उधर जाना पड़ेगा, पूरा लिखा हुआ है पूरा, बहुत जाना पड़ेगा। अच्छा, तो गार्डन नहीं बना ना आसपास? हेलो, तो दोस्तों आज ये दूसरा दिन हो चुका है, और अभी हम लोग अपने होटल रूम में हैं, और फिलहाल यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं संबलपुर वाले, और अभी फाइनली मैं पूरा पैकअप कर लिया हूँ, शूटिंग कंप्लीट हो चुका है,
तो अपने को ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। तो मैं सोचा कि क्यों ना थोड़ा बहुत ब्लॉग कंटिन्यू किया जाए, और ये सब हमारे संबलपुर के प्यारे प्यारे बच्चे, अभी आओ ना ब्लॉग में, वो भी झारखंड रांची, झारखंड रांची, मतलब काफ़ी खुश है। और यहाँ पे भाई मैं जब से देख रहा हूँ हमारे संबलपुर वाले इतनी ज़्यादा खरीदी करे ना, क्या ही बोलूँ मैं। इतना जानती है कि हमको दुनिया कुछ बोले, हमको अपना काम। तो दोस्तों फिलहाल अभी अपन मेन रोड में आ गए हैं, और मतलब आदिल भाई तो यार सुबह से घूम रहे हैं, अभी फिलहाल मेरे साथ हैं आकिब भाई और मेरे पापा, और अभी हम लोग घूम रहे हैं, और थोड़ा सा ना भूख लगा है यार। मतलब हुआ क्या, हम लोग शूटिंग में आज दोपहर का जो खाना है ना वो स्किप कर दिया था मैं, तो इसलिए कुछ अच्छा सा अपन नाश्ता टाइप का आइटम देख रहे हैं, और बाकी बेकरी आइटम्स तो रख रही हैं रात के ट्रेन के लिए। आज एक्चुअली रात में ट्रेन है हमारा 8 से 9 बजे के बीच में, है ना। और यहाँ पास रांची में तो पापा लोग पागल खाना भी घूमने गए थे, और काफ़ी कुछ जगह घूमने गए थे। अरे बिल्कुल बताने का है, क्यों नहीं बताएंगे, रांची झारखंड जो है सब बताएंगे हम, है ना। तो फिर मैं तो जा नहीं पाया क्योंकि हम तो शूटिंग में बिजी थे, इसलिए बाकी फ़िलहाल अभी देखते हैं क्या कुछ कैसा सीन रहता है। और मेन रोड में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है, देख सकते हो आप लोग सब यहाँ पे, ये सब हमारे संबलपुर वाले है। हाँ इधर, ओ देव देव, आदिल भाई दिख गए सामने, ये लड़के लोग कहाँ घूम रहे सुबह से समझ नहीं आ रहा है। आदिल भाई को मैं भी देख रहा हूँ, अरे बस अच्छा दिख रहा है यार ये तो। इधर हम लोग साथ में, लड़के लोग ऐसा घूमे हैं, ऐसा घूमे हैं कि आप चलो चलो आगे चलो, अच्छा जाओ फिर जाओ जाओ तुम लोग जाओ। और दोस्तों यहाँ पास काफी सही कपड़े के दुकान है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मतलब चारों तरफ कपड़ा ही कपड़ा। और ये सामने अच्छा सा चौक है, मेन चौक, और भीड़ काफी ही ज्यादा है। आई डोंट नो कि मेरी आवाज आप लोगों को ऑडिबल है या नहीं, बाकी फिलहाल चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे खा रहे हैं अभी हम लोग आलू गुंडा, देख सकते हो, और टेस्ट काफी अच्छा है, हमारे छत्तीसगढ़ टाइप टेस्ट है। तो दोस्तों नाश्ता हो गया, मतलब थोड़ा रिलैक्स लगा भाई, काफ़ी ज़ोरों से भूख लगा था, और आके भाई चल गया सिर्फ पापा के साथ हूँ मैं। तो पापा कैसे लगा आपको झारखंड, बताओ। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आ गया, मतलब हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं किए, हाँ हाँ, मतलब हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि झारखंड आना होगा, और सीन कुछ ऐसे था कि शादी में आना पड़ा, और मेरा तो काम था, नहीं तो मैं खुद भी नहीं आता, लेकिन एक अच्छा जगह अपन एक्सप्लोर कर लिए।